हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तो गाइस, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को बताऊँगी। तो आप लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपने स्टडी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से हो जाएगी और आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, विष के दांत यह एक प्रकार का कहानी है। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में निम्न वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव को दिखाया गया है। तो देखिए, इस कहानी का पहला जो ऑब्जेक्टिव बनता है वह पहला ऑब्जेक्टिव है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार यानी लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी विष के दांत कहानी के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, गिरधर लाल कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल मदन का पिता है। ये लोग निम्न वर्ग से आते हैं जो मध्यम वर्ग लोगों के घर में यानी सेन साहब के घर में काम करते हैं, मदन के पिताजी गिरधर लाल। तो यहाँ गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो। मदन ने काशू के दो दांत तोड़ डाले। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा यानी जो कहानीकार है लेखक, उनके माता जी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा नाम था नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए यानी समग्रता से उभर कर सामने आए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मनोवैज्ञानिकता का। अगला, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो सेन साहब ने अपने एक मोटर कार खरीदी थी तो उससे खतरा किससे हो सकता था उनके घर वालों में से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से यानी उनके लड़के से। खोखा बंगला में बोला जाता है बच्चा बच्ची यानी लड़का लड़की को, खोखा और खोखी। खोखा से हो सकता था मोटर कार को खतरा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा और खोखी बंगला भाषा का शब्द है, बंगला, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब सेन साहब के घर में कुछ उनके दोस्त मित्र आए थे तो वे लोग बात कही कर रहे थे, उसी में वे लोग अपने अपने लड़के को लाइफ में क्या बनाना है इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त जो सेन साहब थे उन्होंने मदन के बारे में कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू इत्यादि बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेन साहब ने यह पंक्ति कही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, खोखा खोखी का क्या अर्थ है? खोखा खोखी आप जानते हैं कि बंगला भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा बच्ची अर्थ होता है यानी लड़का लड़की, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न अगला है, खोखा का क्या नाम है? जो विष के दांत कहानी है उसमें खोखा है, उसका क्या नाम है? सेन साहब का लड़का है खोखा, तो उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काशू। खोखा का नाम काशू है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट,
बीच के दांत कैसी कहानी है, बीच के दांत कैसी कहानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहानी है बीच के दांत, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मनोवैज्ञानिक। अगला, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, सेन साहब अपने पुत्र जो खोखा था जिसका नाम काशु था उसको क्या बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर इनमें से कोई बनाना चाहते थे सेन साहब अपने लड़के काशु को, यानी खोखा को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिताजी से, वो अपने पिता के हाथों से हमेशा पिटता रहता था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, नलिन बिलोचन शर्मा जो कहानीकार है उनके पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामा अवतार शर्मा, पंडित रामा अवतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, सेन साहब ने किसे खूब फटकार यानी डांटा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई क्योंकि उनके जो पुत्र था यानी मदन था वो कोई गलती कर दिया था जिसके वजह से उन्होंने मदन के पिता गिरधर लाल को फटकार यानी डांटा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, विष के दांत जो कहानी है वह किस वर्ग के अंतर्विरोधों को सामने लाती है, उजागर करती है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मध्यम वर्ग के। अगला है, काशु मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, काशु जो सेन साहब का लड़का था वह मध्यम वर्ग से आता था, वो मदन के साथ जो गिरधर लाल का पुत्र था किस खेल में शरीफ यानी शामिल होना चाहता था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में, मदन अपने मित्रों के साथ अपने मोहल्ले में लट्टू का खेल खेल रहा था, तभी उसी वक्त काशु जो सेन साहब का लड़का था वो भी वहां पर जाकर बोला कि मुझे भी लट्टू खेलना है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लट्टू के खेल में काशु मदन के साथ शरीफ होना चाहता था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लट्टू के खेल में। नेक्स्ट, अगला है प्रश्न, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए, जब सेन साहब के घर कुछ मित्र आए थे वो लोग अपने अपने लड़के के लड़कों को बनाना क्या क्या चाहते थे भविष्य में उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, कोई वो रहता मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा तो कोई इंजीनियर, उसी समय एक पत्रकार महोदय था तो वो कुछ बोला तो उसके व्यंग से अटकर रह गए थे, तो इसका पहले पूछा है कि सेन साहब किसके व्यंग यानी कथन, कौन सा व्यक्ति कुछ कहा यानी व्यंग यानी कथन से अटकर रह गए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय बोले ना उसका उनका मित्र कोई था पत्रकार महोदय के व्यंग से अटकर रह गए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से, क्योंकि जो सेन साहब थे वो अपने लड़के का बहुत ही बुराई कर रहे थे इसलिए जो पत्रकार महोदय थे वो कुछ ऐसा बोले जैसे कि सेन साहब थे उनको खराब थोड़ा लगा और वे अटकर रह गए उनके कथन से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, मदन की उम्र क्या थी, मदन जो कि गिरधर लाल का पुत्र था मदन उसकी उम्र क्या थी लगभग में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल के करीब मदन की उम्र थी, 5 से 6 साल। अगला, मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर का, गिरधर का मदन पुत्र था यानी लड़का था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, नलिन बिलोचन शर्मा जो कि कहानीकार है विष के दांत के वो पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बदरघाट पटना। नेक्स्ट,
दृष्टिकोण किन की रचना है, दृष्टिकोण किन की रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, नलिन बिलोचन शर्मा का है रचना दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर वी राइट है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है यह दृष्टिकोण, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, वीवीआई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर प्राउड हो रहा है, गर्व है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को, जो सेन साहब हैं और उनकी जो पत्नी है उन्हें गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया, तो हंस। यहाँ पर इसका इस कथन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि जो कासु था, मदन जब अपने टोले में खेल रहा था लट्टू का खेल, तो कासु मदन से बोल रहा था कि मुझको भी लट्टू खेलना है, तो वहाँ पर कासु को बोल, यहाँ पर कहानीकार बोल रहा है हंस, और कौवों की जमात यानी मदन था जो, मदन और उसके दोस्तों को बोला जा रहा है कि मदन और दोस्तों को कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया, तो यहाँ पर हंस, हंस बोला जा रहा है कासु को, और कौवों की जमात यानी मदन और उसके दोस्तों को बोला जा रहा है। यहाँ पर लेखक ने इस कथन से उस कथन का कंपेयर किया है। अगला है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, खोखा के अनुसार यानी सेन साहब को पांच लड़कियां थी, उस समय तो कोई नियम नहीं बदला था, सभी को अपने अपने मर्जी था, लेकिन जब छठा में हुआ उनका एक लड़का कासू यानी खोखा, तो उसका हुआ तो वो हो गया, तो उस इन्होंने अपने सिद्धांत यानी सभी नियम बदल दिए, नियम यानी खोखा को सभी चीज़ का छूट था, लेकिन लड़कियों को कोई छूट नहीं था, वे घर में थी, घर में ही पढ़ती थी, लेकिन खोखा को ऐसा कुछ नियम नहीं था, वो जो चाहे वो कर सकता था। इसी के कारण यहाँ लेखक कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों यानी अपने नियम को भी बदल लिया, तो खोखा के अनुसार, जब खोखा हुआ तभी जो सेन थे वे अपने सिद्धांत यानी नियम को बदल लिए। यहाँ लेखक के यही कहने का मतलब है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब की पांच लड़कियां थी। नेक्स्ट, सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ड्राइवर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा आपके सेकेंड चैप्टर विश किताब कहानी का, तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर दीजिएगा, आगे भी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताती रहूँगी, इस तरह आपके जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी बहुत ही सुपर तरीके से हो जाएगी, यदि आप सभी प्रश्नों को याद कर जाए तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और सभी प्रश्न आंसर को याद करते जाइए, इस तरह से आपके एग्ज़ाम का बोझ हटते जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।